हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 16.1 RC अपडेट के बारे में। इस अपडेट में क्या कुछ नया मिला है और इस अपडेट को आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एप्पल के अपडेट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। अगर आपके पास कोई आईफोन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूँ कि आपके आईफोन के लिए कौन सा अपडेट जो है अच्छा रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। यहाँ पे गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं वैसे तो iOS 16.1 स्टेबल अपडेट का, बट यहाँ पे अभी RC अपडेट आ गया है। सेम टू सेम कह सकते हो कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, सेम चीज़ होती है। जो ये अपडेट होता है जो है RC वाला अपडेट, सेम टू सेम स्टेबल अपडेट वही होता है। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं गाइस जो है इस अपडेट के साइज से। जो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो है आपका 4.81 GB का। ये अपडेट मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने आईफोन XR में, तो इसका जो साइज़ है अपडेट का वो 5 GB के आसपास जो है वो हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अपडेट से पहले का क्या सीन था। अपडेट से पहले इसका जो iOS वर्जन था वो आप लोग देख सकते हो, वो था 20B5072B iOS 16.1। और यहाँ पे अपडेट से पहले ही आप लोग देख सकते हो इसका जो अवेलेबल स्पेस था वो था 40.51 GB और इसका जो मॉडम फर्मवेयर था वो था 5.01.01। और अपडेट के बाद का क्या सीन है आप लोग देख सकते हो, इसका जो iOS वर्जन है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है, काफ़ी छोटा नंबर आ गया है 20B79 और पहले काफ़ी जो है बड़ा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो अवेलेबल स्पेस था उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, 40.44 GB है और यहाँ पे पहले कितना था आप लोग देख सकते हो 51, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्लाइटली कम हो गया है। और मॉडर्न फर्मवेयर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, आईफोन XR की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपको इसमें नया क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पे अपडेट के पास ही आप लोग देख सकते हो कि क्या लिखा है, काफ़ी सारी चीज़ें। दिस अपडेट इंट्रोड्यूस आई क्लाउड शेयर फोटोज लाइब्रेरी, मेकिंग इट ईजी टू शेयर एंड कीप योर फैमिली फोटोज अप टू डेट। अगर आप कहीं घूमने वगैरह जाते हैं या फिर कुछ आप ऐसी जगह पे कुछ आप फोटो क्लिक करते हैं, आप चाहते हैं कि ये फोटो जो है आपके फैमिली मेंबर तक पहुंच जाए, फोटो में आपकी ऑटोमेटिक सेव हो जाए, तो वो चीज़ आप अब आप इजीली कर पाओगे। वैसे मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में जो है इन सब जो है आई क्लाउड शेयर का या फिर फैमिलीज़ का जो है आईफोन में जो यूज़ है वो बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो इसके बारे में हम बात ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सो आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आप कहीं पे हो और आपने जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक की तो वो आप इजीली शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक और नया फीचर जो मुझे लगता है अच्छा है वो ये मिला है, जैसे कि गाइज आप इसमें कुछ लाइव एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कि मैं अपना जो है इस फ़ोन में अगर मैं टाइमर लगा देता हूँ तो वो आप फ़ोन को अगर कोई लॉक करता है तो वो जो है बैकग्राउंड में रन करता रहता है, तो ये गाइज जो है क्लॉक में। और यहाँ पर अगर मैंने जो इसका टाइमर सेट कर दिया हुआ है, जैसे कि ये स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं इसको यहाँ से जो है लॉक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो टाइमर है वो चल रहा है। तो ये एक नया फीचर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और ये सब फीचर जो है गाइस आजकल सच बताऊँ तो डायनेमिक आइलैंड वाले जो है फ़ोन्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है काम करते हैं, मतलब उनका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है डायनेमिक आइलैंड, जैसे कि आईफोन 14 प्रो सीरीज़ में है, तो ये सब ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स जो है आपको 14 प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिल जाएंगे। अगली चीज़ यहाँ पर जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को जो है उनके बैटरी में क्या था सीन गाइस, ये था कि वो लोग क्या करते थे कि मतलब आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मान लीजिए आपके फ़ोन में बैटरी आ गई है 20-25% आ गई है, बट यहाँ पे इसका जो बैटरी आई उन्होंने ये पूरा भरा दिखता था, कि मतलब लगता था कि पूरी बैटरी इसमें अभी है बट बैटरी होती नहीं थी उसमें। तो ये चीज़ जो है आपको सिर्फ बैटरी परसेंटेज ऑन करने के बाद ही दिखती थी कि इसमें बैटरी 25% है या 30% है, बट यहाँ पे इसको ऑन नहीं करते थे तो पूरा भरा रहता था, ऐसा लगता था आपके फ़ोन में बैटरी फुल है। तो ये इशू जो है अब सॉल्व हो गया है, तो आपको जो है बैटरी परसेंटेज ऑन करोगे
तो ही आपको दिखेगा कि बैटरी परसेंटेज कितना है, अदरवाइज वैसे भी बैटरी खाली होगी तो उसका जो बॉक्स है वो आधा खाली दिखेगा आपको। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये होनी भी चाहिए थी। अगली चीज़ यहाँ पे आई मैसेजेस में थी प्रॉब्लम, कि अगर आप कोई मैसेजेस वगैरह डिलीट कर देते थे वो फिर से आपको दिखने लग जाते थे, ये बग था। वैसे तो ये बग जो है फिक्स हो गया है। बाकी ओवरऑल इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है इस अपडेट में काफ़ी अच्छी है, अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है अपने आईफोन XR में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी को लेकर के, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है अभी मेरे फ़ोन में कनेक्टिविटी का इशू है, नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू है, बट यहाँ पे मेन इशू ही मुझे ये हो रहा है अभी तक कि मैं जब इसमें पर्सनल हॉटस्पॉट जो है ऑन करता हूँ अपनी टीवी से कनेक्ट करता हूँ तो कभी कभी जो है इसको कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम ले लेता है, और कोई जो है खास इशू जो है मेरे फ़ोन में अभी तक नहीं है। और आई होप जो है इसका जो फाइनल स्टेबल अपडेट होगा वो काफ़ी बेहतर होगा और सब कुछ जो है उस अपडेट में, फाइनल अपडेट में जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आप RC अपडेट यूज़ कर सकते हो, मतलब बीटा अपडेट यूज़ कर रहे हैं, तो इस अपडेट को कर सकते हो, और जो लोग अपना स्टेबल अपडेट का यूज़ कर रहे हैं तो फाइनली आप लोग वेट कर लीजिए और बहुत ही जल्द जो है वो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग मान के चलिए नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो है आराम से आपको जो है देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जो है इन्जॉय कर पाएंगे। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी फाइनल अपडेट आता है उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं गाइज आप लोगों से अगली और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।